नमस्कार, सिस्टम एनालिस्ट और डिजाइन के अंतर्गत आज आपके लिए, ठीक है, बीसी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर हम आज जो है नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे इनपुट आउटपुट और फॉर्म डिजाइन से संबंधित होगा। यानी इससे पहले हमने स्ट्रक्चर जो टूल्स थे उनके जो स्ट्रक्चर जो एनालाइज था, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, जितने भी उसके टूल्स थे वो सारे क्लियर किए थे हमने, ठीक है। जैसे डेटा डायग्राम क्या है, आईपीओ हिपो क्या काम करता है, गैंट चार्ट कैसे बनता है, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम वगैरह सारी वो चीज़ें हमने इससे पहले की थी। अब उनका यूज करते हुए या फिर उनसे रिलेट करते हुए हम इनपुट आउटपुट या फॉर्म डिजाइन से संबंधित जो कंसेप्ट है उनको पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो ये कंप्लीट चैप्टर रहेगा जिसके अंदर हम बात करेंगे इनपुट या आउटपुट एंड फॉर्म डिजाइन, ठीक है। आप देख सकते हो अपने जो सिलेबस है उसके अंदर जो आपका 1, 2, 3 और 4 सिलेबस की सबसे लास्ट वाली जो टॉपिक की लाइन है वो मैं यहाँ पर आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, साथ साथ में ट्रैक कर सकते हैं। और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एकदम इजी वे में ये कंसेप्ट याद भी करवा दूं। तो देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, इनपुट और आउटपुट फॉर्म डिजाइन को लेकर, कि जब अपन कोई भी एप्लीकेशन को जब डिजाइन कर रहे होते हैं, तो अब हमारे बारी आती है कि जब भी उनसे यूजर से कोई भी इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है, यानी इनपुट और आउटपुट फॉर्म जो है वो डिजाइन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आपका जो है मुद्दा होता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए काम करता है, ठीक है। इसका सही डिजाइन होना यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है और सिस्टम के एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। यानी जितनी अच्छी आपकी डिजाइन होगी तो उतना अच्छा आपका यहाँ पर जो होगा ये इनपुट और आउटपुट डिजाइन जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पर एक इनपुट आउटपुट डिजाइन के बारे में आप साथ में अगर नोटबुक लेके बैठे हैं तो इसको लिख लीजिए आप, इनपुट और आउटपुट फॉर्म डिजाइन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका सही डिजाइन होने पर यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करके सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लिख देना भाई सभी के सभी आप, इसका सही डिजाइन होने पर, ठीक है, मैं अगर मान लो कि एक एक लाइन लिखूंगा तो फिर क्लास बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ में लिख रहा हूं, तो इसको पॉज करके या जैसे आप लिखना चाहिए इसको लिख सकते हो। तो इसका अगर सही डिजाइन होगा तो इसका सही डिजाइन होने पर यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करके सिस्टम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर आपका जो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, आप इंस्टाग्राम के, मान लो कि आप जब instagram.com लिखते हैं, वहां पर आप चाहे लॉगिन करने की बात कर रहे हो या फिर साइन अप करने की बात कर रहे हो, तो वहां पर कितने अच्छे से आपके सामने जो है वो डिजाइन क्रिएट होती है। पहले आपको यूजर नेम क्रिएट होता है, फिर आपका पासवर्ड क्रिएट होता है, सिटी होती है, आपका यूजर नेम सेलेक्ट होता है, आपका नेम बाय प्रोफाइल के लिए, तो बिल्कुल अच्छे से उनको मेंटेन करके रखा जाता है डिजाइन को, जिससे आप उसको अच्छे से समझ पाओ, आपको कोई भी पॉइंट पर्टिकुलर, कोई भी ऐसा फील्ड ना हो या कोई ऐसा कॉलम ना आए कि भाई उसके अंदर क्या लिखना है वो आपको कन्फ्यूज करे, तो वहां पर कन्फ्यूज नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं उसको ईजिली यूज कर पाते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो अब आप लॉग इन है, अब मान लो आपको वीडियो को अपलोड करना है, तो प्लस का साइन देखते ही आपको क्या लगता है कि भाई यहाँ से प्लस पर क्लिक करने से क्या होगा, कोई मेरी जो भी यहाँ पर मेरे पास कंटेंट होगा, जो मेरी फाइल होगी वो अपलोड होगी। तो ये इतना इजी बना दो आप उसको उस डिजाइन को कि हर कोई यूजर जो है नॉर्मली उसको समझ सके। अब देखिए इसके अंदर अपन सबसे पहली जो मेथडोलॉजी ले रहे हैं वो है अपनी इनपुट फॉर्म डिजाइन मेथडोलॉजी को, ठीक है। इनपुट फॉर्म डिजाइन मेथोडोलॉजी, ठीक है, जहां जहां पे मैं आपको बता रहा हूं उनको आप अपने पास नोट डाउन करती रहेगा ताकि नोट्स भी आपके साथ में प्रिपेयर होते रहे। तो इनपुट फॉर्म डिजाइन मेथोडोलॉजी के अंदर ओनली अपन इनपुट के ऊपर बात करेंगे, यानी इनपुट आउट इनपुट जो फॉर्म होते हैं, इनपुट फॉर्म वो इंटरफेस होते हैं जहां यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करता है, ठीक है। इनपुट फॉर्म्स वो इंटरफेस होते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इनपुट फॉर्म
वो इंटरफेस होते हैं जहां यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करता है। अब इसको समझिए आप, ये क्या चीज कह रहा है, इंटरफेस क्या है बेसिकली। पहली चीज तो ये है, इंटरफेस का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आपको इंस्टाग्राम का डेटा यूज लेना है, मान लो कि आपको किसी का प्रोफाइल देखना है, उसकी रील देखनी है, तो आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर आप इंस्टाग्राम का ऐप ओपन करते हैं और ऐप ओपन करने के बाद में आप मान लो कि उसके बायो के अंदर जा रहे हैं या आपके सामने इंस्टाग्राम का पेज ओपन है, तो आप उस यूजर को देख किसकी मदद से रहे हैं, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के इंटरफेस की मदद से। अगर इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन का इंटरफेस ही नहीं होता तो क्या आप उसका यूजर का डेटा देख पाते, नहीं देख पाते। तो यहां पर कुछ सीन ऐसे है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बैंक मान लो एटीएम के अंदर गए, अब आप एटीएम की स्क्रीन के ऊपर देखते हो, एटीएम मशीन की स्क्रीन के ऊपर, कि वहां पर आपको क्लियरली मेंशन होता है कि भाई आप अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहां पर आप एंटर कीजिए, यहां पर आप अपना कितना अमाउंट निकालना चाहते हो वो एंटर कीजिए। तो अगर वो मान लो वो स्क्रीन आपके सामने नहीं आती तो क्या आप वहां से पैसे निकाल पाते, क्या आप अपनी जानकारी को प्राप्त कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसको यहां पर अपन क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम के साथ जुड़ पाते हैं। तो यहां पर यूजर वन है, मान लो ये यूजर वन है, जो कि यूजर टू को यहां पर मान लो कि कोई पर्टिकुलर एक फाइल जो है वो सेंड करना चाहता है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि वो टेलीग्राम यूज कर रहा है, ठीक है, ये मान लो कि वो टेलीग्राम यूज कर रहा है, तो ये टेलीग्राम क्या करेगा, इसको एक यूजर स्क्रीन प्रोवाइड करेगा जिससे यूजर क्या करेगा, यहां से फाइल को सेंड करेगा और ये जो यूजर होगा वो इसी इंटरफेस के माध्यम से क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। तो अगर ये इंटरफेस नहीं होता टेलीग्राम का, यानी टेलीग्राम का एप्लीकेशन नहीं होता, तो क्या वो उसको एक्सेस करता, नहीं करता। तो जहां पर भी हम कुछ भेज रहे होते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं, वहां पर हमारे सामने क्या होता है, इनपुट का फील्ड होता है। जैसे मैं मान लो कि यहां पर एक स्क्रीन के ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि मुझे किसी यूजर का मान लो कि सिटी और एज को इनपुट करवाना है, तो मैं यहां पर पर्टिकुलर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा सिटी और इसके आगे क्या होगा, इस प्रकार का ब्रैकेट होगा, ठीक है, ये फील्ड होगा। इसी प्रकार से मान लो कि मैंने यहां पर लिखा एज, तो यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर यहां पर आप क्या करोगे, अपनी एज को इनपुट करोगे। तो पर्टिकुलर ये जो स्क्रीन है वो तो आपकी क्या है, यहां पर इंटरफेस है, ये तो आपकी क्या होगी, इंटरफेस होगी। और यहां पर आपके सामने ये जो दो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, ये जो दो कॉलम नजर आ रहे हैं वो आपके क्या है, इनपुट फील्ड एरिया है, इनपुट फील्ड एरिया है। और इसी फील्ड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अपनी डिटेल को इनपुट कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल वे में समझ सकते हैं कि इनपुट फॉर्म वे इंटरफेस है जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी मेथडोलॉजी काम करती है, तो उन मेथडोलॉजी को एक एक करके आप समझिए। पहली जो मेथडोलॉजी है वो देखिए, पहली मेथडोलॉजी, अब इनके साथ में मैं जो बोलूंगा आपको लिखते रहना, ध्यान रखें, बाकी तक तो मैंने ऊपर का लिखवा दिया। पहला आता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी पहला पॉइंट आया है हमारे लिए यहां पर, कंसिस्टेंसी। ये क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो आपका फॉर्म है उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसके लिए उसको कंसिस्टेंस रहना चाहिए। जैसे अगर आप एक फॉर्म में फर्स्ट नेम फील्ड जो है वो लेफ्ट अलाइंड है आपका, तो सब फॉर्म जो है वो आपके उसी प्रकार से लेफ्ट अलाइंड होने चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि आपने एक फॉर्म डिजाइन किया है, उस फॉर्म डिजाइन के अंदर देखो राइट वे क्या है और रॉन्ग वे क्या है, मैं आपको दोनों बता देता हूं। जैसे यहां पर मान लीजिए कि ये यहां पर मान लो कि एज इनपुट करवा रहा है ये, ठीक है, तो यहां पर जस्ट ये मान लो कि ये इस स्क्रीन के लेफ्ट साइड में क्या है, एनरोल्ड है। देखिए थोड़ा इसको डिजाइन को अच्छे से बना देता हूं, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक स्क्रीन वन है, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट इसके सामने हम और भी बनाएंगे। जैसे मान लो कि ये एज है और यहाँ पर मान लो कि मैंने एक सिटी डाली है जो कि यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने और कोई इसके अंदर मान लो कि डी ओ बी का कोई ब्रैकेट बना रखा है जो कि इनपुट ले रहा है, तो ये यहाँ पर है। अब एक तो ये स्क्रीन है और एक सेकेंड स्क्रीन आप देखिएगा यहाँ पर, तो इस सेकेंड स्क्रीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में ये इस प्रकार से डेटा असाइंड है जिसके अंदर मान लो कि एज है और यहाँ पर एज इनपुट होगी। इसी प्रकार से मान लो कि ये सिटी है और यहाँ पर सिटी इनपुट होगी। इसी प्रकार से मान लो कि डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ इनपुट होगी। अब अगर आप इन दोनों स्क्रीन्स को देखोगे तो यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हो कि सर यहाँ पर जो है पहला जो यानी S1 जो है वो फॉर्म देखने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है
और जब डेटा इनपुट करेगा तो वो खुद कंफ्यूज होगा कि ये सिटी का ब्रैकेट है या फिर कोई ऊपर से किसी और नए एट्रीब्यूट का यहाँ पर ये फील्ड है। तो ये जो है यहाँ पर एक रॉन्ग डिजाइन है, ये जो है वो आपकी एक रॉन्ग चॉइस डिजाइन है और ये यहाँ पर आपकी क्या एक राइट चॉइस डिजाइन है, ध्यान रखिएगा। तो कंसिस्टेंस का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब है देखो यहाँ पर कि पहले जो ब्रैकेट है, अब यहाँ पर अगर जैसे मान लो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये यहाँ पर भी लेफ्ट है, ये राइट है। अब मान लो कि अगर आपने सारे के सारे कॉलम को सेंटर में अलाइन किया है, तो ऊपर वाले को सेंटर में रखा तो बाकी को भी सेंटर में रखो। तो यहां पर इसके अंदर क्या था, यहां पर ये जो है लेफ्ट में था, यहां पर सेंटर है, वापस लेफ्ट में, जो कि यहां पर इसके लिए क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है समझने में यूजर के लिए। तो पहला कंसेप्ट आप सभी अपने पास लिखिए कि एक फॉर्म को डिजाइन करते समय कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, फॉर्म को डिजाइन करते समय कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, लिख लिया आप सभी ने। अब उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगर हम एक फॉर्म में फर्स्ट नेम के फील्ड को, अगर हम एक फॉर्म में फर्स्ट नेम के फील्ड को लेफ्ट में असाइन कर रहे हैं तो बाकी सब फॉर्म भी लेफ्ट में असाइन होने चाहिए। यह होता है आपका पहला मेथडोलॉजी। आगे सभी को समझ में, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है कि अगर आपने पहले का जो इनपुट फील्ड है वो अगर आपने लेफ्ट में रखा है तो बाकी सब भी लेफ्ट में रखिए, अगर राइट में रखा है तो राइट में रखिए, जिससे वो एक ही कतार में दिखे और दिखने में भी अच्छे लगे। दूसरा है आपका लॉजिकल ग्रुपिंग, लॉजिकल ग्रुपिंग दूसरी मेथडोलॉजी है भाई आपकी लॉजिकल ग्रुपिंग को लेकर। तो लॉजिकल ग्रुपिंग क्या होता है, देखिए इसको समझिए। लॉजिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है कि रिलेटेड जो फील्ड का ग्रुप है, ठीक है, रिलेटेड जो फील्ड्स है उनको एक ग्रुप के अंदर डालना। तो इसके अंदर तो मैं ही लिख देता हूं आपके लिए, रिलेटेड रिलेटेड फील्ड्स, फील्ड किन को कहते हैं, जहां पर आप अपनी ये जो रिलेटेड फील्ड्स को ग्रुप करना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर पहली बात तो फील्ड क्या है, ये देखिए यहां पर आप जो डेटा इनपुट कर रहे हैं ये आपके क्या है, ये फील्ड है, देखो ये आपके क्या है, फील्ड है ये। तो यहां पर कहा गया है कि जो उसका रिलेटेड फील्ड है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप के अंदर डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये आपको भाई ग्रुप के अंदर डालना पड़ेगा। अब ग्रुप के अंदर डालने का मतलब क्या है, जैसे आप किसी यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यूजर की पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर रहे हो, तो लाइक आप उससे क्या क्या पूछेंगे, आप उससे पूछेंगे कि भाई अपना नाम आप एंटर कीजिए, ठीक है, उससे आप पूछेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप इनपुट कीजिए, इसी प्रकार से आप उसको पूछेंगे कि आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अपन कहते हैं कि कोई और जैसे कोई डिटेल जो उससे रिलेट करती है, ठीक है, तो इसको अपन यहां पर क्या करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर कलेक्ट रखेंगे, मतलब ये जो होगा ना वो हमारा एक ग्रुप होगा, ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप है और ये ग्रुप जो है पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, ये यहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ये आपके लिए यहां पर क्या कर रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, बड़ा सिंपल है। इसी प्रकार से और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो मुझे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन किसी की कलेक्ट करनी है, तो यहां पर इस स्थिति में कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए क्या हो सकता है, देखिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, उसका मोबाइल नंबर जो है मान लो कि मैं इनपुट करवा रहा हूं, इसी प्रकार से मान लो कि मैं उसका ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी जो है वो कलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर ये दोनों फील्ड, यानी यहां पर मोबाइल नंबर को इनपुट करो या ईमेल आईडी को इनपुट करो, तो ये दो अलग अलग जो फील्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन को। तो यहां पर ये कहा गया है कि जब आप एक ग्रुप डिजाइन करते हैं तो उस ग्रुप डिजाइन के अंदर क्या करना है आपको, कि उनको ग्रुप करके रखना है, जिससे क्या होगा कि वो यूजर कंफ्यूज ना। अब मान लो नेम तो आपने जैसे फॉर्म भरना उसने शुरू किया, ऊपर आपने सबसे ऊपर नेम पूछ लिया और फॉर्म के सबसे नीचे से सेकंड के टाइम पे, यानी फॉर्म के सबसे नीचे से आप डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो जहां पर उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, तो पहले उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो पहले उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लो आप, जिससे क्या होगा आगे कोई इश्यू नहीं। अभी ऐसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल था, ठीक है, ऐसे और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो कि आप उसके एड्रेस को रिलेटेड क्या कर रहे हो, उसकी डिटेल कलेक्ट कर रहे हो, तो एड्रेस के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, स्ट्रीट नंबर, इसी प्रकार से क्या होगा स्ट्रीट का नेम, इसी प्रकार से क्या होता है सिटी और डिस्ट्रिक्ट, और मान लो पिन कोड है,
तो ये सारे के सारे कॉलम क्या है, ये सारे के सारे कॉलम उसके एड्रेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये यहां पर सारे के सारे कॉलम क्या होंगे, एक यहां पर ग्रुप बनाएंगे आप एड्रेस नाम का और उसके अंदर डाल देंगे। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब ये है कि लॉजिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है कि उसके जो रिलेटेड ग्रुप है उसको क्या करना है, एक ग्रुप में आपको स्टोर करके रखना है, जिससे उसको जो यूजर है वो अपनी डेटा को जो फिल कर रहा है उसको कोई परेशानी ना आए। ये मेरे दूसरे कंसेप्ट को समझाने का आपके लिए तात्पर्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे कंसेप्ट की। ये दूसरा आपको समझ में आ चुका है, इसको रिलेटेड ग्रुप को, रिलेटेड फील्ड्स को ग्रुप करना, फील्ड मतलब जो ब्रैकेट है, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आपने उसकी डिजाइन को लेफ्ट में रखा है तो हमेशा उसको लेफ्ट में ही रखना है। अगला तीसरा है आपका फील्ड वैलिडेशन। फील्ड वैलिडेशन क्या है भाई? फील्ड वैलिडेशन का मतलब समझिए, फील्ड वैलिडेशन का मतलब होता है कि जो भी आप वैलिडेशन कर रहे हो उसको, वैलिडेशन जो होती है वो ये इंश्योर करेगी कि यूजर ने सही इंफॉर्मेशन डाली है या नहीं डाली है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ये इंश्योर करेगा कि यूजर ने जो इंफॉर्मेशन इनपुट की है वह करेक्ट है या नहीं, यानी यूजर जो इंफॉर्मेशन डाल रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है, तो इसको वैलिडेट का मतलब होता है उसको चेक करना। ठीक है, उसको चेक करके वेरीफाई करना कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही इनपुट की गई है या नहीं की गई है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मान लिया, ठीक है, एग्जाम्पल मानते हैं कि यहां पर आपका ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है और इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मान लीजिए कि एक ईमेल डाली गई है मान लो, और एक मैं अगेन ये तो एक एग्जाम्पल नंबर वन है और एक एग्जाम्पल नंबर टू ले रहा हूं, जिसमें यहां पर ईमेल डाली गई है और ईमेल के अंदर यहां पर क्या होगा, इसका ईमेल डाला जाएगा। यानी ये दो अलग अलग एग्जाम्पल है। इसके अंदर मैं यहां पर आपको बताता हूं कि मैंने यहां पर एक ईमेल डाली है, जैसे मान लो संपत लेलर, ठीक है, और यहां पर थोड़ा इसको बड़ा करते हैं भाई, यहां पर मान लो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, ठीक है, ये इतना पर्याप्त है। मान लो यहां पर मान लो कि कोई यूजर इंफॉर्मेशन डाल रहा है संपत लिलर और gmail.com, और मैं दूसरा यहां पर सिनेरियो ले रहा हूं जिसमें यहां पर मान लो कि मैं मेल आईडी डाल रहा हूं संपत लिलर @gmail.com। अब आपको पता होगा कि हम जब जीमेल को एंटर कर रहे हैं, यानी अपनी ईमेल आईडी को जब एंटर कर रहे होते हैं, तो उस फील्ड में यहां पर कहा जाता है कि आपको 8 सिंबल यूज लेना है। क्या करना है, 8 सिंबल यूज लेना है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, 8 सिंबल यूज लिया है और यहां पर डॉट यूज लिया है। तो इस स्थिति में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ऊपर का जो, जब ये ईमेल आईडी यहां पर या जीमेल आईडी डाला जाएगा तो उसको ये वैलिडेट नहीं करेगा, यानी ये इंफॉर्मेशन गलत है, और नीचे को मैं जब इनपुट करूंगा तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर 8 को देखते ही क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि यहां ईमेल फील्ड को 8 सिंबल से वैलिडेट किया गया है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। आप इतना सा समझिए कि जब अपन यहां पर ईमेल आईडी डाल रहे होते हैं तो उस ईमेल आईडी को यहां पर मान लो कि आप जैसे फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, तो फॉर्म डिजाइन के अंदर कोई नियम है, जीमेल आईडी को जब भी इनपुट करवाया जाता है क्या होगा, 8 जो है ये सिंबल, इसको कहा जाता है 8 सिंबल, तो इसका यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ईमेल आईडी जो होगी वो गलत होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मोबाइल नंबर का सीन पता होगा, जिसमें इंडिया का मोबाइल नंबर डाल रहे हो तो स्टार्टिंग के अंदर +91 आपको डालना होता है। तो ऐसे कई सारे कंसेप्ट है, वेबसाइट के अंदर आपको जैसे मान लो .com का कंसेप्ट है, ऐसे कई जगह है जहां पर आपको इनका यूज लेना पड़ता है। मान लो तो यहां पर आप कोई भी फॉर्म जो है उसको वैलिडेट कर रहे हो, तो उसके लिए अब एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप एक एज को इनपुट कर रहे हो। ठीक है, अब मान लो कि एक एग्जाम्पल नंबर में सेकेंड आपका क्रिएट कर रहा हूं इसमें, कि आप एक एज इनपुट करवा रहे हो किसी भी यूजर का, जैसे ये एज का फील्ड है और इस एज के अंदर आपको डाली गई है कि, ठीक है, यहां पर मान लो कि एक सिचुएशन है
है कि सिर्फ 18 या 18 प्लस यूजर ही रजिस्टर हो। तो इसके लिए क्या करोगे आप, जो आपका यहां पर जो आपके पास में यहां पर जो मान लो कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर आप क्या करोगे, यहां पर आप इसके ऊपर क्या करोगे, कंडीशन अप्लाई करोगे और कंडीशन क्या होगी कि एज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए 18 के। तो यहां बस क्या होगा, अगर आपकी एज यहां पर डाली जाएगी, यहां पर मान लो 18 या 18 प्लस 19 20 कोई भी, तो वो क्या करेगा, उसको वैलिडेट कर देगा, नहीं तो वैलिडेट करेगा ही। तो इसको अपन कहते हैं यहां पर फील्ड वैलिडेशन। अगर समझ में, तो फील्ड वैलिडेशन के बारे में याद रखना है कि फील्ड वैलिडेशन ये इंश्योर करता है कि यूजर ने जो इन्फॉर्मेशन इनपुट की है वो सही है या गलत है, इसको कहते हैं अपन यहां पर फील्ड वैलिडेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट आपके पास चौथा आ रहा है जो कि है क्लियर लेबल। ठीक है, अब क्लियर लेबल्स क्या बताता है, क्लियर लेबल्स का मतलब लेबल किसको कहा जाता है कि जैसे मान लो कि आपके सामने लिखा आता है कि यहां पर आप फर्स्ट नेम डालिए, ठीक है, लास्ट नेम डालिए। जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिखा आता है मेरा फर्स्ट नेम, ठीक है, यहां पर मान लो कि मैंने लिखा हुआ है एज, तो यहां पर ये जो है वो आपके क्या है, ये है आपके लेबल्स। ये क्या है, इसके ऊपर लेबल, लेबल मतलब इसके अंदर आप इनपुट कर रहे हो, तो इनपुट के ऊपर यहां पर यानी इस फील्ड के ऊपर आपको क्या होगा, पहले यहां पर इसको देखना पड़ेगा कि इसमें डालना क्या है। जैसे मान लो कि एक आपका बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मान लो कि कोई वॉच या पर कोई घड़ी यहां पर जो है वो इसके अंदर पैक कर रखी है, तो उस बॉक्स के अंदर होगा क्या, देखिए कि आपने जैसे मान लो कि कोई ऑर्डर मंगवाया या आपके कोई यहां पर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, ये प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट है मान लो, तो इस प्रोडक्ट के अंदर मान लो कि आपने यहां पर क्या है कि वॉच यहां पर डाल रखी है, मान लो कि यहां पे इस बॉक्स के अंदर मान लीजिए कि इस बॉक्स के अंदर यहां पर क्या है भाई, वॉच है आपकी, ठीक है, और इस वॉच के ऊपर यहां पर मान लो कि लिखा हुआ है रोलेक्स, मान लो। अब यहां पर क्या आप समझ पा रहे हो कि रोलेक्स वॉच लिखा हुआ है यहां पर, तो इस बॉक्स को देखो कि आप ऐसा था नहीं कि भाई आपके पास में कोई दिव्य शक्ति हो कि भाई आप इस बॉक्स के आर पार देख सकते हो, तो बॉक्स को देख से पता चल गया अंदर घड़ी है या जो भी। आप क्या करोगे, पहले उसका क्या देखोगे, लेबल देखोगे, क्या देखोगे, उसका लेबल देखोगे। इसी प्रकार से जब अपन इनपुट करते हैं तो समय क्या करते हैं, पहले उसके लेबल को चेक करते हैं, तो लेबल को देखने से क्या पता चलता है कि यहां पर क्या हो। तो दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी, एक तो लेबल स्पष्ट हो, भाई मान लो कि अंदर आपको एज इनपुट करनी है तो आगे एज लिखो, ऐसा नहीं कि वहां पर मोबाइल नंबर इनपुट करना है, लिख दिया आपने मेल आईडी का, तो यह भी कंफ्यूजेबल चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या होना, लेबल क्लियरली आपका विजिबल हो वहां पर। जैसे वहां पर आप फर्स्ट नेम सीधा सा लिखो, सिर्फ फर्स्ट नेम, आपको इतना बड़ा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर सिटी नेम, इतना नहीं, सिर्फ सिटी नेम लिखो, वो समझ जाएगा सिटी नेम आपका। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए पांचवा हमारे पास में कंसेप्ट आता है जो कि है पांचवा कंसेप्ट देखिए पांचवा हमारे पास में इनपुट मेथोडोलॉजी का पांचवा पॉइंट हमारे पास में आ रहा है जो कि है एरर मैसेज का, एरर मैसेज। तो ऊपर वाले का ध्यान रखिएगा, आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर लेबल्स का मतलब है कि जब यूजर इनपुट कर रहा होता है तो उस समय फील्ड के आगे का जो लेबल है वो क्लियरली विजिबल हो। अब आता है हमारे पास में एरर को लेकर, एरर फील्ड, एरर मैसेज क्या है। एरर मैसेज का मतलब है एरर जो आती है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर जो एरर आ रही है तो एरर्स को क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए। तो यहां पर इसके अंदर लिख सकते हैं एरर्स को क्लियरली इंडिकेट करना, एरर्स को क्लियरली इंडिकेट करना, यह काम जो होता है वो आपका कहां होता है, एरर मैसेजिंग के अंतर्गत होता है। जैसे मान लो आप फोन नंबर जो है डाल रहे हो, फोन नंबर अगर गलत है तो वहां पर आप क्या करो, एक एरर मैसेज शो करो उनको कि प्लीज एंटर अ वैलिड फोन नंबर। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि जैसे यहां पर डाला गया है, जैसे मान लो कि एक फील्ड है एंटर 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर। अब यहां पर आपको यह दिया गया है ब्रैकेट और यहां पर यह फील्ड है। अब इस फील्ड में यहां पर क्या होना चाहिए कि आपको 10 अंकों का डालना पड़ेगा। आपका एक भी अगर अंक कम हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि यूजर 10 अंक का मोबाइल नंबर इनपुट नहीं करता है, इनपुट नहीं करता है तो एरर मैसेज
शो करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमारे इनपुट फॉर्म मेथडोलॉजी जो है वो यहां पर क्लियर होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको आउटपुट फॉर्म की मेथडोलॉजी को समझूंगा। यहां पर एक बार इसको रिवाइज कर लो। यहां पर हमने बात शुरुआत की है इनपुट और आउटपुट फॉर्म की डिजाइन को लेकर। तो इनपुट और आउटपुट कहां यूज होते हैं? इनपुट का यूज हम डेटा को यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं, और आउटपुट का यूज हम जो है यूजर के सामने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने इनपुट फॉर्म मेथडोलॉजी का प्रयोग किया, जिसकी मदद से हम यूजर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। और इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है? एक फॉर्म का मेथड होता है। और इस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हमारे पास में पहली मेथडोलॉजी है कंसिस्टेंसी। यानी जब फॉर्म को डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर जो भी उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स है, जो यहां पर फॉर्म लेबल है, फॉर्म के फील्ड है, अगर वो लेफ्ट में ऐसे तो लेफ्ट में रखिए, अगर राइट में करना है तो राइट में रखिए, सभी एक आगे पीछे नहीं रहना चाहिए। ये आपको मैंने नियम भी इसका बताया था। और ये डिजाइन आप एग्जाम में बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होगा आपका एग्जामिनर। अगला दूसरा है आपका लॉजिकल ग्रुपिंग। लॉजिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जो आप फील्ड डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर्म डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें सभी जो रिलेटेड फील्ड्स है उनको आपको क्या करना है? ग्रुप करना है। जैसे मान लो कि आपने एक तो फर्स्ट नेम, एक आपने ले ली उसकी क्वालिफिकेशन, और एक ले लिया एज। अब इसका कोई ग्रुप बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जो आप उसकी क्वालिफिकेशन ले रहे हो वो तो उसकी क्या है, उसकी कोई ग्रेजुएशन से उससे रिलेट होनी चाहिए। तो यहां पर आपको जो उसका रिलेटेड फील्ड है उसी को इस ग्रुप के अंदर डालना चाहिए। फिर हमने फील्ड वैलिडेशन को पढ़ा था, यानी जो भी आप इनपुट ले रहे हैं उस फील्ड के अंदर आपको वैलिडेट करना चाहिए कि जो डिटेल आपकी यूजर इनपुट कर रहा है वो सही है या गलत है। अगला क्लियरली लेबल विजिबल का मतलब है कि जो लेबल आप बना रहे हो फील्ड के आगे, जो नाम लिख रहे हो वो क्लियरली विजिबल हो और सही से हो, और उसका रिलेट करते हुए भी होना चाहिए, जिससे वो यूजर को, यूजर जो है इनपुट करते समय कंफ्यूज ना हो। और लास्ट आपका एरर मैसेज को लेकर था, यानी जब यूजर इनपुट कर रहा होता अगर उस फील्ड में गलत वैल्यू डाल रहा है तो एरर का मैसेज जो है आपको दिखाना चाहिए। तो मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट आउटपुट फॉर्म मेथोडोलॉजी को लेकर। धन्यवाद।